हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में मिस कॉल आता है तो नहीं दिखाता है, शो नहीं करता है, तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो सभी ऐप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है फ़ोन। तो जैसे ही फ़ोन लिखेंगे तो फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन पर क्लिक करना है इस वाले ऐप पर। फिर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन नीचे या ऊपर हो सकता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर स्टोरेज नाम से मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। इतना करने के बाद बैक आएंगे, फिर देखिए यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर बैक आते हैं, अब फिर से सर्च बार में क्लिक करना है, फिर लिखना है कॉल। तो जैसे ही कॉल लिखेंगे देखिए यहाँ पर कोई भी ऐप नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर की साइड थ्री या दो डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर शो सिस्टम या शो ऑल ऐप पे क्लिक कर देना है। अब सर्च बार में क्लिक करके लिखना है कॉल। तो यहाँ पर कॉल मैनेजमेंट नाम से ऐप आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। इस तरीके से गाइस फिर से बैक आना है, फिर दूसरे वाले ऐप पर क्लिक करना है, और इसे भी स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डेटा कर देना है। इतना करने के बाद देखिए फिर से एक बार फ़ोन हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन को भी हमने क्लियर डेटा कर दिया है। अब मोबाइल के होम स्क्रीन पे आना है। चलते हैं फिर से सेटिंग्स में। अगर यहाँ पर ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके ऐप लिखेंगे तो यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स नाम से ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन नीचे या ऊपर हो सकता है, आप चेक कर लेना। फिर आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से सभी ऐप को शो करके शो सिस्टम या शो ऑल ऐप। फिर आप यहां पर फ़ोन और कॉल सर्च करके सभी ऐप को क्लियर डेटा कर देना। अब इतना सब कुछ करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।